भारत में जिस समय अर्थात जिस दौर में भक्ति आंदोलन हुआ, लगभग उसी समय सूफीवादी संतों ने भी अपनी पवित्र वाणी का संदेश दिया। भक्ति आंदोलन और सूफीवाद दोनों साथ साथ चले। भक्ति आंदोलन ने जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान रूप से धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक समानता, ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करने का उपदेश दिया, वहीं सूफी संतों ने संपूर्ण मानव जगत को या संपूर्ण मानव जाति को प्रेम का संदेश दिया। जो सूफी संत थे वह प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए मानव को प्रेरित करते थे तथा मानव मात्र को प्रेम का संदेश देते थे। सूफी मत में जो संत हुए हैं वह ब्रह्म ज्ञानी या आध्यात्मवादी माने जाते रहे हैं। उनका संदेश था कि अल्लाह से प्रेम करो और प्रेम के द्वारा ही मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। भारत में सूफी मत का प्रचार किस तरह हुआ? अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि इस्लाम में प्रारंभ से ही रहस्यवाद की भावना रही है और इस रहस्यवाद की भावना को इस्लाम में सूफी मत या सूफीवाद कहा गया है। इसके अंतर्गत जब उपासक या भक्त सृष्टि के कण कण में उस परम ब्रह्म के रूप को देखता है तो उसे तब रहस्य भावना का जन्म होता है। अतः सूफी जो संत हैं वह संपूर्ण सृष्टि को ईश्वरमय मानते हैं। सूफीवाद की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता प्रेम की भावना है। सूफी उस सर्वव्यापी ब्रह्म के प्रति असीम और अगाध प्रेम करता है और इस प्रेम की गहनता में ही उसे संपूर्ण सृष्टि प्रेममय दिखाई पड़ती है। भारत में सूफी मत का प्रारंभ कैसे हुआ? इस संदर्भ में विद्वानों का मानना है कि 1190 ईस्वी से भारत में सूफी मत का प्रारंभ हुआ, जब शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपनी खानकाह स्थापित किया। उसके बाद भारत में अनेक सूफी संत आए। और उन सूफी संतों ने भारत में अपने खानकाह स्थापित किए। भारत में जो सूफी मत का उद्भव हुआ और धीरे धीरे जो विकास की ओर अग्रसर हुआ, इस संदर्भ में जानने से पहले हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि सूफी शब्द किस तरह प्रचलन में आया और इसका अर्थ क्या होता है। सूफी शब्द का अर्थ है, सूफी शब्द सूप से बना है और इस्लाम में सूफी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो तसव्वुफ अर्थात सभी धर्मों को प्रेम करने वाला। तसव्वुफ का अर्थ होता है सभी धर्मों को प्रेम करने वाला। तो इस तरह सूफी वह कहलाता है जो तसव्वुफ का अनुयायी हो और सभी से प्रेम करता हो। सूफी शब्द के बारे में विद्वानों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं कि किस तरह सूफी शब्द प्रचलन में आया और इसका प्रयोग
प्रयोग किस प्रकार हुआ। सूफी शब्द के संदर्भ में एक मत यह है कि सूफी शब्द सूप से निकला है जिसका अर्थ ऊन होता है। अरब में जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद अनेक संत जो है ऊनी कंबल या ऊनी कपड़ों को धारण करते थे। इन ऊनी वस्त्रों को उनकी सादगी तथा सात्विकता का प्रतीक माना जाता था, इसलिए ऐसे ऊनी वस्त्रों को धारण करने वालों को आदरपूर्वक सूफी कहा जाने लगा। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा शब्द से हुई है। सफा का अर्थ होता है पवित्रता, अर्थात ऐसे लोग जो पवित्रता और सादगी का जीवन बिताते थे, दिन रात ईश्वर की अल्लाह की आराधना में लीन रहते थे, वे कालांतर में सूफी कहलाए। एक अन्य मत यह भी है कि मदीना की मस्जिद के निकट एक गुफा स्थित है। यह गुफा मोहम्मद साहब द्वारा जो मस्जिद बनवाई गई उस मस्जिद के बाहर मक्के की पहाड़ी पर स्थित है। इस गुफा में जिन लोगों ने शरण ली और वे खुदा की आराधना में लीन रहे, तो सफा नामक गुफा में शरण लेने से वे सूफी कहलाए। कुछ भी दोनों का मानना है कि सूफी शब्द यूनानी भाषा के सोफिया शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है ज्ञानी होना। अब भारत में या हम ये कहें कि अरब में सूफी मत का उद्भव किस प्रकार हुआ, इस संदर्भ में यूसुफ हुसैन का मत है कि सूफीवाद का जन्म इस्लाम के अंतःस्थल अर्थात हृदय से हुआ है। हुसैन का विचार है कि इस्लाम के मूल में आध्यात्मवाद और रहस्यवाद की प्रवृत्तियां रही हैं जिनसे सूफियों ने प्रेरणा ग्रहण की थी। इस तरह हुसैन इस्लाम के अंतःस्थल से ही सूफीवाद का जन्म मानते हैं। एडवर्ड मेक्स ब्राउन तथा जो निक्सन पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, इनका मानना है कि यूनान से जो दार्शनिक ईरान आए और उन्हीं दार्शनिकों के प्रभाव से ईरान में सूफी मत का विकास हुआ। एक अन्य विद्वान टाइटस का मत है कि सूफियों की अनेक क्रियाएं जैसे योग साधना, प्राणायाम तथा हठ योग आदि में स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म का प्रभाव दिखता है, तो वो सूफी मत पर हिंदू धर्म का प्रभाव मानते हैं। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि चिश्तिया संप्रदाय में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो भारतीय वातावरण से ली गई हैं, जैसे शेख को झुककर प्रणाम करना, आने वाले मेहमानों को जल देना, कमंडल रखना, नवीन अनुयायियों का सिर मुंडन करवाना, भक्तों की मंडलियां रखना जैसे जिसमें समा बांधना। इन सबको श्रीवास्तव हिंदू और बौद्ध परंपराओं से ली गई परंपराएं मानते हैं, इसलिए वे लिखते हैं कि बहुत भारत के आध्यात्मिक वातावरण से जो चिश्तिया संप्रदाय पर प्रभाव पड़ा है वह भारतीय वातावरण का प्रभाव है। सूफी मत वहतुल वजूद के सिद्धांत पर विश्वास करता है। यह सिद्धांत आत्मा और परमात्मा की एकता पर जोर देता है, अर्थात जब हम आत्मा और परमात्मा की एकता को मानते हैं तो इसी सिद्धांत को वहदतुल वजूद कहा गया है। अरब में सूफी मत के आरंभिक चरणों में या आरंभिक चरण में एकांतवास तथा पवित्र जीवन की भावना पर विशेष जोर दिया जाता था। इसका जो संतों के जीवन में प्रवेश हुआ तो सूफी साधक एकांत में प्रायश्चित करते थे, वे इस्लाम का अनुसरण करते थे परंतु वे कर्मकांड के विरोधी थे।
सूफी मत के जो आरंभिक चरण के साधक हुए उनमें इमाम हसन बसरी, इब्राहिम बिन आश्रम अबू इब्राहिम बिन अबू हासिम आदि जो थे, तो इन्होंने परम जो सत्ता थी अल्लाह की या ईश्वर की उसको उन्होंने प्रियतमा के रूप में देखा और स्वयं को प्रेमी बनाकर उस प्रियतमा अर्थात अल्लाह या ईश्वर को पाना अपने जीवन का उद्देश्य रखा। तो इस तरह सूफीवाद का जो सिद्धांत है वह अल्लाह को प्रियतमा मानकर और स्वयं आत्मा को प्रेमी मानकर उस प्रियतमा को पाने की साधना ही सूफीवाद कहलाती है। इब्न अल अरबी जो एक विद्वान हुए हैं उनके अनुसार मुस्लिम रहस्यवाद को विद्वानों ने दार्शनिक आधार देने का प्रयास किया है और आत्मा और परमात्मा की एकता का सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया उस आत्मा और परमात्मा की एकता के सिद्धांत को ही वहदतुल वजूद कहा गया है। सूफीवाद की विभिन्न अवस्थाएं जो हैं कि किस तरह सूफीवाद में आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, इसको किस तरह आत्मा परमात्मा में लीन होती है, इसके विभिन्न चरण बताए गए हैं। सूफी दर्शन में मानव जीवन को एक सफर कहा गया है और साधक को सालिक या यात्री, उस सफर का यात्री माना गया है। सूफी मत का मुख्य कार्य आत्मा को उसके मार्ग पर आगे बढ़ाना है और उस समय तक उस मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है जब तक उसका परमात्मा से एकाकार नहीं हो जाता। इस यात्रा की विभिन्न मंजिलों को, जो इस यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं, इनको सूफी संप्रदायों में अलग अलग बताया गया है। फिर भी जो ये विभिन्न पड़ाव हैं, विभिन्न जो मंजिल हैं इस आत्मा की परमात्मा तक की यात्रा के, उनमें पहला पड़ाव आता है उबूदियत, जिसे सेवा कहा जाता है। उबूदियत का अर्थ हुआ कि इसमें साधक अपने दुर्गुणों को नष्ट करके तौबा करता है और ईमान को अर्जित करता है। इसके लिए वह नमाज, रोजा, तौहीद, जकात, हज आदि का पालन करता है। दूसरा महत्वपूर्ण चरण है इश्क, इसका अर्थ होता है प्रेम, अर्थात आत्मा का परमात्मा से प्रेम करना, आत्मा का परमात्मा के प्रेम में लीन हो जाना। इस दूसरे चरण के लिए गुरु की आवश्यकता होती है जो कि आचरण को शुद्ध करता है और उसे ईश्वर की अनुभूति कराने में मदद करता है। जब साधक ईश्वर की अनुभूति करता है तभी वह ईश्वर से इश्क करता है, अर्थात प्रेम करता है। तीसरा जो अगला जो चरण है जुहद, इस चरण में साधक की समस्त सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और वह एकाकीपन की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। अब वह सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। अगला चरण है मारिफत, इस अवस्था में उसे उसमें दयालुता का भाव संचार होता है और वह प्रतिक्षण ईश्वर के चिंतन में, अल्लाह के चिंतन में डूबा रहता है, अर्थात अल्लाह के प्रेम में ही लीन रहता है। इसके बाद का चरण वज्द कहलाता है। वज्द वह स्थिति है जब साधक को परमानंद की स्थिति प्राप्त होती है और साधक परमात्मा के विचार में लीन परम आनंद को प्राप्त करता है। इसके बाद का चरण हकीकत कहलाता है, अर्थात अब वह सत्य को जान जाता है, जो जीवन का सत्य है उस स्थिति का उसे ज्ञान हो जाता है, वह परमात्मा के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है और इसी को कहते हैं हकीकत, कि वह हकीकत से रूबरू हो जाता है। तत्पश्चात वसल की स्थिति आती है। वसल की स्थिति में आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। अब आत्मा एक प्रकार से परमात्मा में लीन हो गई, दोनों में कोई अंतर नहीं रहा, दोनों एकाकार हो गए। इस स्थिति को वसल
कहा जाता है। और उसके बाद फना या संपूर्ण रूप से परमात्मा में अंतर्निहित हो जाना, परमात्मा में पूर्णतया लीन हो जाना, उसे कहते हैं फना, कि वो फना हो गया, परमात्मा में आत्मा का विलय हो गया और मृत्यु के समय वह साधक जो है फना की स्थिति को प्राप्त करता है। इस तरह सूफीवाद की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और इन अवस्थाओं के द्वारा गुजरते हुए संत या साधक फना की स्थिति को प्राप्त करता है।